आम आदमी पार्टी फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष इंजीनियर नीरज प्रताप शाक ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि निकाय चुनाव संवैधानिक आरक्षण के साथ जल्द करवाया जाए। नगर निकाय के चुनाव में संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके आयोग बनाकर सर्वे करवाकर आरक्षण लागू करना था, लेकिन जानबूझकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने ऐसा गड़बड़ आरक्षण किया कि हाईकोर्ट ने इनके आरक्षण को रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने ये तक कह दिया कि अगर आप प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आरक्षण में ओबीसी को उनका हक मिलेगा, और अगर बगैर प्रक्रिया के आरक्षण व्यवस्था लागू की तो बिना आरक्षण के ही चुनाव करा दो। आम आदमी पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई है। इसके लिए जो भी अधिकारी और सरकार के लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस नगर निकाय चुनाव में भाजपा सरकार ने जानबूझकर सर्वे में गड़बड़ी कराई। इसके खिलाफ आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। जो पिछड़ा विरोधी सरकार है उसने जो आरक्षण खत्म करने का काम किया। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, संविधान हमें देता है। जो ओबीसी का 27% आरक्षण है उसको खत्म करने का सरकार प्रयास ना करे, कभी कुछ लोगों को दबाने का प्रयास ना करे। इस मामले में आम आदमी पार्टी सड़कों पे है, आज पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। सरकार को जो है चुनाव से भागना चाहती है। जिस तरह से पूरे देश में बीजेपी को हार मिल रही है, निकाय चुनाव में आगामी जो आने वाले थे उसके अंदर उसको हार दिखाई दे रही थी, इसलिए सरकार जो खुद फैसले नहीं कर सकती वो कोर्ट कराना चाहती है। सरकार ने विभेदकारी जो आरक्षण लागू किया था उसमें सरकार ने कोर्ट ने टिप्पणी की और टिप्पणी करने के बाद आरक्षण निरस्त कर दिया। सरकार की मंशा है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए और इसके बाद जो है चुनाव करा दिए जाए। मेरी सरकार से गुजारिश है कि ये भ्रष्टाचार विरोधी सरकार, संविधान विरोधी सरकार, पिछड़े और दबे पिछड़े विरोधी सरकार नहीं चलेगी। आपको विधिवत संविधान पर जो है व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। संवैधानिक तरह से आरक्षण लागू करें, इसके बाद चुनाव कराएं और जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराए जाएं। नीरज प्रताप शाक ने बताया कि अगर सरकार ने संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी चरणबद्ध तरीके से बड़े स्तर का आंदोलन करेगी। इस आंदोलन में रमाकांत कुशवाहा, अंकित शाक, कुलदीप सिंह, अजय कुमार पाल, मोहम्मद शकील, अमित कुमार, राजेश सिंह यादव, अवनीश तोमर, देवेंद्र सिंह, पंकज वर्मा, सनोज कुमार, रामबीर, सुनील, राम नरेश, सलमान खान, इंद्रजीत, राम किशोर, कौशल कुमार, सत्यभान, गोविंद, राम हरीश पाल, छोटे गोविंद, नदीम अहमद आदि लोग मौजूद रहे।